सुनो चंदा। हाय सनू, हमसे कसूर हो गया है इस जुर्म के लिए ना, तू हमें ले जा थाने हथकड़ियां बना के और फाइल लगा दे। हाय बेड़ा तर जाए, बेड़ा तर जाए पुलसान दा। हाय अच्छा जी, और कोई अन्ना होगा जो आपकी टूट पैनी गिट्ठी फुअर कुड़ी को देगा रिश्ता? तुसी प्यो पुत्र दी अखा ना मैं गूंद कचेरे नाल चिपका देनियां ने। ना मैं क्यों मुंह बंद करूं, मैंने किसकी लत तोड़ी है? हाय अल्लाह, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं, गफलत की नींद से जागी हूं मैं। दुश्मन और दोस्त का फर्क पता चला है और तुम लोग चाहते हो कि मैं फिर सो जाऊं? पागल है, तो जल्दी नहीं, इसके तो कर्तूज ही नहीं बने कभी भी। तेरा प्यो भी कमरे में फिरता रहता है, मक्खियों का शिकार करता है। हाय हाय जमशेद साहब, ना कीता करो इंज दियां गल्लां, ना कीता करो। देखो मेरा इक्को एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। आया बड़ा ना जमशेद आगा जी, यहाँ पे ना नाक से लकीरें भी खींचे ना तो मैंने नहीं जाना उस घर में जहाँ पे वो बैठी है चामचड़ीक। सारी अग ना नीमा मीसनी ने लाई है, नजाकत को ना अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मनो ब्रेकिंग न्यूज। हाय बेटा तू आया तो कोई मनूस खबर लाया होगा, बता ना। पूछे से पूछे अपने शहजादे से कि टूटे हुए आशकों वाली ये बेसवादी शक्ल बना के क्यों बैठा हुआ यहाँ पे। सारे बगैर जमा हो गए दोनों अपनी माँ पे गए। हाय अल्लाह संभाल, नजाकत भाई को राशा फाड़ के तवार डाल इनके मुंह के अंदर, दवा कट्टा खोल के बैठ गए। तेरी जो वो बीज आने ना उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। शाबाश पुत्र शाबाश, मां प्यो इत्थे डांगा चुकी फिरदे ने ते तू दुश्मनां नूं मोटरसाइकिल ते सहरा करा। अए एड्डा तू फरमा बदार पुत्र, जा फिरना है फिरो, ऊपर जाओ थल्ले जाओ, पर अगर मुझे उस गिट्टी के इर्द गिर्द घुमन के एरिया पाता हुआ नजर आया ना तो मैंने जूते उतार लेनी है। दवाई खा लेना, हार्ट अटैक ना हो जाए कोई। अच्छा कोई नहीं ना, जवान खून है, अभी जोश मार गया है, मैं समझा लूंगी। प्यार के दो बोलों की मार है मेरा सल्लू। प्यार के बोलों की मार हो या गुस्से की, मैं खानदान वालों में कोई तमाशा देखना नहीं चाहता, ये अपनी जुबान में समझा देना प्लीज। समझा दूंगी, इसको भी मैं समझाऊं, बीजान को भी मैं समझाऊं, मसूमा को भी मैं ही समझाऊं। तू इसलिए नहीं चाहती कि इन दोनों का ब्याह हो क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुगढ़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसी सजेगी कि दुनिया देख के सड़क के सुहा हो जाएगी। जमशेद साहब अखा तो टेप चुपका देनी मैं तोड़े। आए माँ सदके जाए ते प्यो लांता पाए। क्या हो गया माँ, काम कर रहा हूँ मैं। नहीं इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं भाई, ओफो लोग देख रहे हैं भाई, घर जाके बात करेंगे। जमशेद साहब तेज करो, इन्हें मैं इतने ठीक कराऊंगी। निकल गया वो, निकल गया, अभी घर जाके बात करना। भाई अल्लाह जी, ये जो नीमा है ना, मुझे पूरा यकीन है इसने तवीर डाले बीजान पे, दिमाग उलट गया उनका, पर आप ना करे परवाह। भाई क्यों क्यों जलाल भाईजान चुप रहे, अपनी चेती से कहें कि ये चूड़ियां फौरन उतार दे, वरना मैंने टोका लेकर आना और इसका बाजू ही बांट के ना उधर सुट देना, बाद में कराते रहना प्लास्टिक सर्जरियां, बजाय ये कि अल्लाह अल्लाह करे बांदरियों को चूड़ियां लेके देता फिर रहा है। नहीं सुकून नहीं आया मुझे, सुकून मुझे उस दिन आना है जिस दिन आपने मुझे ये गल दसनी है कि हर हफ्ते दो हफ्ते के बाद आपको ये इश्क चुप्पी का कीड़ा क्यों काटता है। एक गल मेरी ना कान खोल के सुन लो और अपने पल्ले बांध लो, आज के बाद बिल्लो बांदरी के आसे पासे मुझे नजर आए ना तो मैंने आपकी जिंदगी के दिन काम कर देने। ये जो डायरी खोली हुई ना इसके अंदर लिख लो। अच्छा चल तू रहने दे, पागल है, वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। चल अरसल तू ऐसे कर के तू रेस्ट कर ले, हैं चल सो जा, यहाँ पे लेट जा, आराम कर, चल लेट जा, चल लेट जा, शाबाश। अम्मा ना अम्मा क्या, लेट जा, चल शाबाश, छोटा सा मुंह निकला है, आओ जमशेद साहब। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे सीधी तरह बता रही हूँ, चुपचाप खामोशी से ना ईद के दूसरे दिन लाड़ा बन के अपने कमरे से बाहर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कार है कि गूंगे पैरों का स्कूल है, हैं क्या इशारेबाजियां हो रही हैं ये। हाय ये तो खुद पूरी बारह मसाले वाली चलती फिरती फिल्म है। हाय मसूमा करना क्या है, डांगा ते सोटे चुक ते पै जा बिल्लो बांदरी नो, एक ही बारी कर ले खड़ा को दे नाल उसको लग बता जाए। हाय तो मैं बता देती हूँ, जिस दिन से इस कार में मेरा ब्याह हुआ है मेरे और जमशेद साहब के साथ सिर्फ और सिर्फ यातियां हो रही हैं यहाँ पे। हाँ किधर जा रहा है इतनी तेजी में? अम्मा मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अफतारी के बाद ना फौरन वापस आ जाना, तेरे प्यो ने मुल्क के एक माया नाज वकील को बुलाया है। क्यों? क्योंकि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हाय तो ये मनूज बिल्लो बांदरी ने ना पूरे घर को स्यापा डाला है। हे अरसल नु कदी अकल नहीं आनी उस चिपकली के साथ है, मैं तो कहती हूँ डाकू आज चंगी फेंटी लगाए अरसल को।
ये जो जी है ना, इसका तो अल्लाह करके बेड़ा तर्च है। अभी जाके ना दोनों की चंड परेड कराती हूँ, देखना तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। ना हुए ना तो मेरा नाम बदल के ना शाना से तूने रख देना जुर्माना। खाए खजमानू खाए, है चाय तो बना के लाइए, ला मुझे पकड़ा है, मैं पी मार लेती हूँ। वैसे भी तमीज जो है ना मेरे पे ज्यादा असर नहीं करते। बड़ी पैटी चाय बनाई है, कज़ाका खराब हो गया। जरूरत ही नहीं है, अभी पिछले साल मैंने ऐसा वधिया चनियोर से मंगवा के फर्नीचर डलवाया सल्लू के कमरे में। ता ये जो मुंडा है ना, इसने पूरे खानदान को ना परने डाले हुए। जाके ना मैं इसकी झाड़ पट्टी करके आती हूँ। अरे मैं कहती हूँ तू मुझे ये बता, बता मुझे कि वहां पे कौन सी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो तू छड़प्पा मार के बीच में घुस गया हीरो बनने के लिए है। लेकिन आपने बी जान के चेहरे पे मीसनी मुस्कुराहट देखी थी, तब से आग लगी हुई मेरे सीने में। अरे अल्लाह सल्लू पुत्र क्या हो गया है, फैक्ट्री कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? व्याह तो बिल्कुल सर पे खड़ा है, लाड़ा बन के मोटी ब्याह के लानी एक गज बज के है। हाय मेरे सल्लू की तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है, उसके तो दिन रखे जा चुके हैं माशाल्लाह। तौबा 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 तौबा, बेड़ा तर जाए, ये घर जो है ना साजिशों का गढ़ बन चुका है। वैसे मसूमा मैं तुझे बताऊं, वलीमे का जोड़ा मैंने ऐसा आला खरीदा है कि अद्धे खानदान ने तो अपने कलेजे पे हाथ डाल लेना। मैं बता रही हूँ बाहर जो है ना दुनिया बदल गई है, मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, खुद जाके देख ले, तू तेरे कानों से ना तुए निकल आएंगे। अगर नहीं यकीन ना तो मेरा नाम बदल के शाना से ना जुर्माना रख देना। अरे अल्लाह जी जमशेद साहब, ये बीजान की दुम पे किसने पैर रख दिया? नहीं नहीं जलाल भाई जान बड़ा पैड़ा गाते हैं, पर ठीक है मैं ढोलकी शोलकी मंगवा लेती हूँ और साथ में ना वो दफ भी मंगवा लेती हूँ, दोनों बहनें मिलके गाने गाएंगे। आपसे तो कभी कुछ नहीं होना, मैं ही जाके मसूमा को मक्खन लगा के आती हूँ। पिछे हटे जा बाजार जा, जरा नस के मुझे धनिया पुदीना ला दे जल्दी से। कोई काम था, काम क्या करा, कोई काम है? एक बार शादी हो जाए ना फिर मैंने जलाल पाजन की ऐसी चाटपट्टी करनी है ना सारी जिंदगी याद रखेंगे। हाय हाय दफा करो, स्टेज पे बैठी हुई ना सारी दुनिया एक जैसी लगती है, किसी को क्या पता चलेगा। तो तुझे क्या जरूरत थी उस जिया मीसनी के साथ फेरे टोरे करने की है? तेरा करेक्टर मशकूक करा दिया है। तू यहाँ पे ना सर पे पटिया बांध के बैठी रहे और वो बिल्लो ना वहाँ पे बांदरी से इच्छाधारी नागन बन के ना तेरे सर के ताज के ऊपर बैठ के नाच कर रही है। सच सच बता दे मुझे सल्लू, सच सच बता दे, नहीं तो मैंने तेरा सांप ही जाना है। तो बीजान ने भी तो शादी के तरीके ऐसे दिनों में रख ली कि ताक रातों पे सारे खानदान वालों ने हमारे सरों पे सवार होना है। हैं हमने क्या खाक इबादत करनी है? खान साहब को नहीं कोई अकल दे सकता, अखरोट है इनका दिमाग। मैंने तो सीधा सीधा अपना बोरिया बिस्ता बांधना और टिंडो आदम चले जाना अपनी पुप्पी के कार। मेरा दर जाए सारे घर वालों का। पहुंच रहे कल वो तुम्हारा कजन जूजी। जाए अल्लाह करे उसकी याददाश्त खो जाए, अल्लाह करे घर का रास्ता भूल जाए, अल्लाह करे अन्ना हो जाए, अल्लाह करे गेट ना नजर आए। लोड शेडिंग हो रही है इसलिए, ऊपर से बी जान ने ना मत मारी है। खुदा की कसम जलाल भाईजन कुछ शर्म कर लो, इस घर में बिल्लो बांदरी के अलावा ना एक आपकी बीवी भी है और एक आपकी कुड़ी भी है जवान, जिसकी तारीख खैर से पक्की हो चुकी है। तो अल्लाह की पनाह मांगेगा तू इससे। ताईजान मेरे खिलाफ ना बोले, चल भाग जाए यहाँ से। ये आगा जी का मक्खी तो मैं ऐसा ठपूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। हैं पहले तो बीजान आगा जी को मुंह नहीं लगाती है, मत्थे से मत्था जोड़ के बैठ के मशवरे दे रहे। अल्लाह अल्लाह माफ कर दे, इस दुनिया में किस कदर मुनाफकत है। एक बात मेरी जरा कान खोल के सुन ले और अपने पल्ले से बांध ले। अल्लाह जमशेद साहब, एक तो आपको पंजाबी भी नहीं समझ में आती। वो ना गर्मियों में जब नहर पे ना भैंसे गायें और कट्टे नहाते हैं ना तो उनके जिस्म पानी के अंदर होते हैं और रुखियां बाहर निकल आती है, उसे डुबी कट्टा कहते हैं। अल्लाह जी शर्म नहीं आती तुम दोनों को? है लाड़ा और लाड़ी बांध के भी चूजे लड़ा रहे हो, मैंने जूते उतार लेनी है। तुम समझाए ना इसे मुझे, तुम क्यों कह रही है ये? इसको आप कहे मुझे, तेरा तुम है ना तेरा आप है ना, मैं इसको लंबा पाके ना एडी वाली जूते उतार के चित्रौल करने किसी मुकाबले में ना रहना दोनों। चुप कर जो दोनों है, ये जो तेरी हेडमास्टर घर जाके तू जा, सारे मेहमान देख रहे हैं, अभी यहाँ स्यापा करने की क्या जरूरत है।